हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा वॉरियर हब में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फर्दर बात करने वाले हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एथिलियम टिश्यू के बारे में बात की थी, तो फ्रेंड्स वहाँ पर हम बात कर चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बारे में। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं, उससे आगे बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट के बारे में, और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बारे में, और फिर आगे बात करेंगे अपने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको देखने से पहले इसका सेकंड पार्ट जरूर देखें। इसका टाइप टू पार्ट टू है, जरूर देखें उसको, क्योंकि आप वहाँ से पता लगा पाओगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या हमारा टॉपिक ऑन गोइंग चल रहा है, और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे इस टिश्यू के बारे में। तो इसलिए इसका सेकंड पार्ट जरूर देखें। तो फ्रेंड उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से जा करके आप इसके सेकंड पार्ट को देख सकते हो, और फिर उसके बाद इसको देखो, तो उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं अपने अरेंजमेंट के बारे में और फंक्शन के बारे में, क्या क्या उसने हमें क्लासिफिकेशन होती है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की ओर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप चार्ट देखें, यहाँ पे जो हमारा फ्लो चार्ट दिया है, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं अपने एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, उसका हमारा प्रॉपर एक फ्लो चार्ट दिया है यहाँ पे। तो फ्रेंड ये फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम के बेस पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ जो हमारा यह डायग्राम है जो दिखा रहा है आपको, कि जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो फर्दर क्लासीफाइड होते हैं, जैसे हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और हमारे मस्कुलर टिश्यू होते हैं, और हमारे नर्वस टिश्यू होते हैं। फिर हमने बात की थी, जैसे अपने एपिथेलियम टिश्यू की बात की, सबसे फर्स्ट टाइप लिया था हमने, तो उसके फर्दर बात की थी। इसमें हम दो टाइप्स होते हैं, सिंपल होता है और हमारा स्टेटिफाइड होता है, आप देख सकते हैं अपने इस चार्ट में देख सकते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा सिंपल होता है वो फर्दर क्लासीफाइड होता है हमारा स्क्वामस में, कोलामनार में और क्यूबोइडल में। तो फिर बात की थी हमने इसमें जो हमारा स्टेटिफाइड है फ्रेंड, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा स्टेटिफाइड है ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं अपने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसको देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की ओर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट के बारे में। तो फ्रेंड जैसे टर्म ही इंडिकेट करें, जैसे अरेंजमेंट है, मानी अरेंजमेंट का मतलब होता है कि क्या क्या किस तरह अरेंजमेंट हुआ गया है, कि कैसे वो अरेंज हुए अपने पोजीशन पे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं अरेंजमेंट के। इसने कहा कि अरेंजमेंट के बेस पे ये फोर टाइप्स के होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं हमारे, सिंपल होते हैं, स्टेटिफाइड होते हैं, और स्क्वाम स्यूडो स्यूडो स्टेटिफाइड होते हैं, और हमारे कौन से होते हैं, ट्रांजिशनल होते हैं। तो फ्रेंड वन बाई वन इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड जो हमारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, एक सिंगल लेयर होती है उनकी, क्या एक सिंगल लेयर होती है, फिक्स लेयर होती है सिंगल, और क्या होती है ज़्यादा थिन, बहुत थिन लेयर होती है, क्या थिन लेयर होती है, जिसके थ्रू आसानी से परमेबल हो सकता है हमारे जो मटेरियल है, वो आसानी से परमेट कर सकते हैं हमारे सिंपल के थ्रू, सिंपल लेयर के थ्रू। फिर बात करते हैं फ्रेंड अपने स्टेटिफाइड के थ्रू। तो फ्रेंड स्टेटिफाइड जो टिश्यू होते हैं हमारे, यूज़ होते हैं हमारे जब जो एरिया होता है, वेयर एरिया फ्रॉम वेयर एंड टीयर, जहाँ पर हमारे टूट फूट होती है उस एरिया में यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे, जैसे ये क्या होते हैं, और इनके मल्टी लेयर होते हैं या मल्टीपल लेयर होती है हमारे स्टेटिफाइड टिश्यू की। तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्यूडो स्टेटिफाइड। तो फ्रेंड जो स्यूडो स्टेटिफाइड टिश्यू होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, ये भी अगर आप देख सकते हो कहीं पे, आपने देखा हो कि जहाँ पर हमको मल्टीपल लेयर मिले हो टिश्यू की देखने को मिले, तो समझ जाना है कि क्या है वो स्यूडो स्टेटिफाइड टिश्यू है हमारे। फिर बात करते हैं ट्रांजिशनल टिश्यू के अपने बारे में। तो ट्रांजिशनल टिश्यू कहाँ होते हैं फ्रेंड्स, हमारे जो ट्रांजिशनल टिश्यू होते हैं फ्रेंड्स, हमें देखने को मिलते हैं कि यार ये क्या प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, और क्या हमारे कवरिंग टिश्यू होते हैं, जो आप देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपको फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कुछ ऑर्गन होते हैं, जैसे हमें यूरिनरी ब्लैडर है, तो यूरिनरी ब्लैडर में जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर में जो लाइनिंग होगी वो किसकी होगी, वो ट्रांजिशनल टिश्यू की होगी हमारे नाइल। तो ये बात हो गई हमारे सिंपल की, स्टेटिफाइड की, स्यूडो स्टेटिफाइड की और ट्रांजिशनल की। अब फर्दर बात करते हैं अपने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बारे में। सॉरी फ्रेंड्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बारे में क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स जो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन होते हैं उनको भी यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारी, तो फ्रेंड्स जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारी, क्या एक मेम्ब्रेन होती है जो क्या, जो हमारी जो कैविटीज़ होती है, वेरियस कैविटी होती है हमारी बॉडी की, उनको लाइनिंग करती है, और या जो हमारे कुछ इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनकी क्या करते हैं, उनकी कवरिंग करती है, प्रोटेक्शन के लिए काम करती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स फिर बात करते हैं अपने ग्लैंड्स के बारे में, बात करते हैं ग्लैंड्स क्या होते हैं हमारे। तो फ्रेंड्स जो ग्लैंड होते हैं हमारे, उनमें क्या होता है, जो हमारे ग्लैंड होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे हार्मोन को सिक्रेशन करते हैं, यानी हार्मोन को रिलीज करते हैं, उनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे ग्लैंड होते हैं उनको भी यहाँ पे फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो टाइप में, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो फ्रेंड्स जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो क्या होते हैं,
जो फ्रेंड हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास को क्या होते हैं, डक्ट होती है और ट्यूब होती है, जिनको क्या उनके पास डक्ट होती है ट्यूब होती है, जिसने का जो कैरी करते हैं हमारे हॉर्मोन्स को टू द टारगेटेड ऑर्गन, तक जहाँ तक हमारे हॉर्मोन से लेकर के वहाँ से ग्लैंड से लेकर के जाएंगे हॉर्मोन, और जहाँ पर टारगेट होगा उनका वहाँ तक ले जाएंगे थ्रू द डक्ट या ट्यूब के थ्रू, तो इसलिए इनको क्या डक्टेड ग्लैंड कहते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप, यहाँ पर एक पैनक्रियाज ले सकते हो, पैनक्रियाज का एग्जांपल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि ऐसा ग्लैंड बताओ जो मिक्स ग्लैंड हो, जो एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता हो और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता हो, तो उसका आंसर होगा फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड की तरह काम करता है। तो अब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो फ्रेंड्स जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। डक्टलेस का मतलब क्योंकि उनके पास कोई डक्ट नहीं होती, कोई ट्यूब नहीं होती, वो डायरेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट सिक्रीट होते हैं हमारी स्ट्रीम में, स्ट्रीम का मतलब ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्ट हमारे फ्लो होते हैं और अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुँचते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि डक्टलेस ग्लैंड का नाम बताओ, कि डक्टलेस ग्लैंड किसको कहते हैं, यानी इसको एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे जो होंगे वो डक्टलेस ग्लैंड होंगे, ये इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड ये बात हो गई हमारे ग्लैंड्स के बारे में। तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप यानी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू हमारे कौन कौन से होते हैं, क्या क्या वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसने क्या कहा, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इट सपोर्ट अदर टिश्यू और बाइंड देम टुगेदर। इसने क्या कहा, ये सपोर्ट करता है जो हमारे बॉडी के दूसरे टिश्यू होते हैं उनको सपोर्ट करता है और उनके साथ बाइंड करता है। फिर क्या कहा ना, एंड प्रोवाइड फॉर द मेटाबॉलिक नीड ऑफ ऑल द बॉडी ऑर्गन। इसने क्या कहा, और जो हमारी मेटाबॉलिक नीड होती है, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनकी मेटाबॉलिक नीड होती है उसमें हेल्प कराता है हमारा कौन, कनेक्टिव टिश्यूज में हेल्प कराता है। तो फ्रेंड जैसे टर्म ही इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे कनेक्टिव, मतलब एक दूसरे से कनेक्शन है, कनेक्टिव है तो कनेक्ट है, तो एक दूसरे को हेल्प तो जरूर करेंगे, तो इसलिए क्या कहा, ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और क्या प्रोटेक्टिव टिश्यू है, कवरिंग टिश्यू होते हैं हमारे कौन से, कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्रेंड्स इसने क्या कहा कि द बेसिक काइंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसने कहा जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू है उनको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है यहाँ पर, तो उसके बारे में बात करते हैं वन बाय वन लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमने एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड जो हमारे एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, जब हमारे क्या, जब कोई लेडीज़ प्रेगनेंसी अचीव कर लेती है और जब क्या होता है, जब वो उसका एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड वीक टू एंड ऑफ द एट वीक, यानी तीसरे वीक से लेकर के आठवें वीक तक जो प्रोसेस होती है एम्ब्रियोनिक की, वहाँ पर हमारे कौन से कनेक्टिव टिश्यू काम करते हैं, और जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, वो वेरियस ऑर्गन के फॉर्मेशन में भी काम करते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हो गए हमारे कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल, उसके टाइप हो गए। फिर बात करते हैं अपना सेकेंड, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। इसने कहा जो फ्रेंड जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होते हैं उनको भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है यहाँ पर। सबसे पहले लेते हैं अपने लूज एल्यूलर एंड सॉफ्ट, क्या लूज एल्यूलर और सॉफ्ट टिश्यू कहते हैं, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो फ्रेंड इनका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव और हमारे कवरिंग टिश्यू होते हैं, जैसे हमारे कुछ वेरियस ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या होते हैं, उनको लाइनिंग कराते हैं हमारे कौन से, ये हमारे लूज टिश्यू होते हैं जो। फिर बात करते हैं अपने डेंस रेगुलर टिश्यू। तो फ्रेंड जो हमारे डेंस रेगुलर टिश्यू होते हैं, जैसे टर्म ही यहाँ पे इंडिकेट कर रही है, डेंस मतलब क्या है, क्राउडेड है, एक दूसरे से बहुत ही क्या है, टाइटली पैक्ड है और क्या है, रेगुलर फॉर्म में है, मतलब टाइटली पैक्ड तो है लेकिन अपने का रेगुलर फॉर्म में, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में, एक सिक्वेंस में है, तो उनको हम इसलिए कहा गया डेंस रेगुलर टिश्यू कहा गया है। तो हमारे डेंस जो रेगुलर टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो टेंडन में देख सकते हो और लिगामेंट में देख सकते हो, टेंडन में देख सकते हो आप और लिगामेंट में देख सकते हो, ये इसके एग्जांपल हो गए हमारे किसके, डेंस रेगुलर के। तो फ्रेंड जो हमारे टेंडन होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे बोन टू मसल को कनेक्ट करते हैं, मसल टू बोन का कनेक्शन होता है हमारे टेंडन में, मसल टू बोन का कनेक्शन होता है हमारे टेंडन में, और बोन टू बोन जो कनेक्शन होता है वो होता है लिगामेंट में, बोन टू बोन कनेक्शन होता है हमारा लिगामेंट में। तो फ्रेंड ये हो गए हमारे डेंस रेगुलर टिश्यू के बारे में। अब बात करते हैं डेंस इरेगुलर टिश्यू के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड जो हमारे डेंस इरेगुलर टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे जैसे कहा कि डेंस तो है लेकिन क्या, क्राउडेड तो है लेकिन क्या, इरेगुलर फॉर्म में, इरेगुलर का मतलब सीक्वेंस में नहीं है, अच्छे से उनका अरेंजमेंट नहीं है, कैसे अगर इधर उधर अरेंजमेंट, इसलिए क्या है, इरेगुलर कहा गया है। तो फ्रेंड ये आपको देखने को मिलेगा, आपको जैसे डर्मिस होती है हमारी, जो डर्मिस लेयर होती है हमारी, सेकंड लेयर होती है आपकी डर्मिस के बाद डर्मिस होती है, वहाँ पर देखने को मिलेगा आपके कौन से डेंस इरेगुलर टिश्यू देखने को मिलोगे आपको।
अब बात करते हैं नेक्स्ट इलास्टिक के बारे में, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे टर्म ही इंडिकेट करते हैं, इलास्टिक है, इलास्टिक का मतलब क्या, स्ट्रेचेबल है, मतलब क्या है, स्ट्रेचेबल है, खींच सकते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे। तो क्या है हमारे इलास्टिक टिश्यू होते हैं फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं, ये येलो इन कलर होते हैं। कैसे येलो इन कलर होते हैं और क्या होते हैं, अपनी जो इनकी जो ओरिजिनल लेंथ होती है उससे 1.5 तक ये क्या हो सकते हैं, स्ट्रेच हो सकते हैं, खींच सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं और फिर अपनी बाद में अपनी पोजिशन पर आ जाएंगे। तो ये हो गए हमारे कौन से, इलास्टिक टिश्यू हो गए। तो फ्रेंड अब बात करते हैं हमारे कौन से, अब बात करते हैं रेटिकुलर टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं फ्रेंड्स वो क्या होते हैं, वो फ्रेमवर्क का काम करते हैं। जैसे हमारे जो कुछ ऑर्गन होते हैं उनको फ्रेमवर्क का काम, जैसे हमारे हार्ट हो गया, जैसे हमारे लीवर हो गया, और हमारा क्या होगा, लीवर हो गया, और हमारे स्प्लीन हो गया, यानी हम जो लिम्फेटिक ऑर्गन हो गए, स्प्लीन हो गया, लिम्फेटिक डक्ट हो गई, तो क्या हो गया, उनको क्या करें, उनको फ्रेमवर्क कराते हैं, फ्रेमवर्क का काम करते हैं, मतलब फ्रेम सपोर्ट देता है। फ्रेंड बात करते हैं नेक्स्ट में एडिपोज टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्रेंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जैसे का मतलब फैट से रिलेटेड होते हैं। तो हमारा जो फैट होता है बॉडी का, जो जहाँ भी स्टोर होता है जाकर के, वो कहाँ होता है, वो हमारा एडिपोज टिश्यू में ही जाकर के हमारा स्टोर होता है हमारा फैट। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं सी टाइप में कार्टिलेज होते हैं। तो फ्रेंड जो हमारे कार्टिलेज होते हैं वो क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, ये कार्टिलेज हमारे पाए जाते हैं बोन्स में पाए जाते हैं, ऑन द सरफेस, ये हाँ जॉइंट पे पाए जाते हैं, जॉइंट बोन जॉइंट में पाए जाते हैं, जॉइंट सरफेस से पाए जाते हैं ये हमारे कार्टिलेज, जो हमारे जॉइंट को क्या कर, जॉइंट में हेल्प करते हैं हमारे, तो इनको कार्टिलेजेस कहते हैं फ्रेंड। कहाँ पाए जाते हैं, जॉइंट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे बोन टिश्यू। जो फ्रेंड जो हमारे बोन टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ट टिश्यू होते हैं, यानी भाई हार्ट जब बोन्स में काम करेंगे तो हार्ट तो होंगे ही, अब बोन टिश्यू होंगे, बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट हो सकते हैं, तो उनको एग्जांपल होगा हमारा ऑस्टियोब्लास्ट यहाँ पर, तो क्या करते हैं ये बोन के फॉर्मेशन में करेंगे और हार्ट टिश्यू होते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या होता है, हमारा वैस्कुलर टिश्यू होता है, यानी हमारा फ्लूड होता है, तो फ्लूड कनेक्टेड टिश्यू है हमारा, लिक्विड कनेक्टेड टिश्यू है, जैसे ही हमारे हो गए ब्लड के बारे में बात करते हैं। तो ब्लड में हमारे फिर फर्दर और टाइप्स होते हैं, जैसे ब्लड में हमारा प्लाज्मा होता है, हमारे कुछ सेल्स होते हैं, जैसे हमारे क्या होते हैं एरिथ्रोसाइट्स होता है, जैसे हमारा एरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल होता है, एरिथ्रोसाइट्स यानी ल्यूकोसाइट्स होते हैं यानी वाइट ब्लड सेल होता है, फिर थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं यानी जो हमारे प्लेटलेट्स वगैरह होती हैं, तो ये हमारे कॉम्पोनेंट होते हैं हमारे ब्लड के। तो फ्रेंड्स ये बात की आज हमने कनेक्टेड टिश्यू में टाइप्स की बात की, कनेक्टेड टिश्यू के टाइप ये सब होते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर तो बनता है। So you can take a screenshot. If you have any problem, you can comment. तो आपके कमेंट का जरूर जवाब दिया जाएगा और आपको बताइए कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट होना है इसमें, आप बताइए, मैं आपकी जरूर सुनूंगा। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक क्या मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए, एंड फ्रेंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।